अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब्जे में बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल और एकेडमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वीडियोस के नीचे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे सवालात पूछ लेते हैं कुछ, तो मेरे पास वक्त होता नहीं जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाता। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त था, मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब देना चाहिए क्योंकि हो सकता है काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो और इस वीडियो से काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को मिले या हो सकता है शायद उनको कुछ आसानी महसूस हो। तो सवाल क्या है या वो कमेंट क्या है, अभी मैं आईपैड में पढ़ता हूँ और आप लोग सुन लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के ऊपर भी उस कमेंट को दिखा दूँ ताकि आप पढ़ भी सको उसे साथ में। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि स्टूडेंट जो है मुझे क्या कह रहा है और फिर मैं कोशिश करता हूँ उसका आंसर देने की, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो उसका नाम है सानिया गुल और जिन्होंने क्या क्वेश्चन किया है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो बनाएं, टॉपर्स को ट्यूशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एंड डिप्रेस्ड अबाउट दिस। ओके, वो काफ़ी कंफ्यूज और डिप्रेस हैं इस चीज़ को लेकर, प्लीज़ आप बताएं क्योंकि स्कूल में भी समझ आ रही है लेकिन मैं कहती हूँ कि ट्यूशन भी अगर करूँगी तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। तो इतने से कमेंट के अंदर जो है सानिया ये बोल रही हैं कि स्कूल में सब कुछ समझ में आती है और उसके बाद उन्हें ये लगता है फिर भी ट्यूशन जाना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों, तो इस चीज़ को लेके वो कंफ्यूज हो रही हैं, डिप्रेस हो रही हैं। और भी उनका कमेंट है वो भी पढ़ लेते हैं ताकि उनकी बात को अच्छे से समझ सकें हम। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ट्यूशन की वजह से टाइम वेस्ट होगा, स्कूल के बाद पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो स्कूल में डेली काम होता है 8 सब्जेक्ट्स का उसको भी याद करना होगा। आई हैव टेकन माई 9th पेपर सो अभी 10th बहुत अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ बिकॉज 9th में कुछ ब्लंडर्स हुए थे, सो प्लीज़ बता दें ट्यूशन के बारे में। बिकॉज बहुत से टीचर्स से मैंने सुना है कि ट्यूशन नहीं करनी चाहिए जबकि स्कूल जब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही हो। तो आई होप क्वेश्चन या जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास के टॉपर्स को ट्यूशन पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो मिलते हैं ट्यूशन में जाकर लेकिन टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो जाता है। 8 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी तैयार करना होता है, उनको याद भी करना होता है। तो ये सानिया गुल का प्रॉब्लम है या सवाल है, तो मैं इसके ऊपर देखता हूँ क्या बात कर पाता हूँ, शायद आप लोगों को आसानी हो। क्योंकि एक बात शुरू में बोल देता हूँ, हर टीचर का जवाब अलग होता है और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी टीचर की बात अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तो कुछ भी नहीं पता। हमें हर किसी के आंसर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए और हर किसी से उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई बात किसी टीचर की अच्छी लग सकती है, कोई बात किसी टीचर की अच्छी लग सकती है। तो इसलिए अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगे या बुरी लगे तो उसके लिए अभी से माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सानिया, आपके सवाल का पहला हिस्सा ये है कि टॉपर्स को ट्यूशन पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको कोई भी टीचर नहीं दे सकता। अगर मैं भी कोई आंसर दूंगा या फिर यानी कि टॉपर्स से मतलब क्या, हर टॉपर की अलग अलग खसूसियत होती है। कुछ टॉपर्स जो होते हैं उनको स्कूल्स में ही अच्छी समझ में आ जाती है और वो ट्यूशन नहीं जाते, खुद से ही फैसला कर लेते हैं। कुछ टॉपर्स जो होते हैं वो जैसे कि आप टॉपर हैं, आप सोच रही हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि ट्यूशन भी जानी चाहिए और स्कूल ट्यूशन दोनों का तैयार करना चाहिए, वो दोनों जगह जाके टॉप कर लेते हैं। तो टॉपर्स का वर्ड जो है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो जनरली अगर बोलूँ तो भी मेरी बात सही साबित नहीं होगी क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग है। मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि मेरा जवाब जो है वो सबको सही नहीं लगेगा, क्योंकि हर किसी इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक अलग तरह की है और सारे के सारे टॉपर्स ही होते हैं, टॉपर्स की भी एक अच्छी तादाद होती है। तो मुझे क्या बोलना चाहिए आपको, मुझे एक्चुअली ये बोलना चाहिए आपको जो मेरा दिल कह रहा है कि आपको खुद से ही सोचना चाहिए। क्योंकि आपको अगर एक टीचर ये बोल रहा है कि स्कूल में पढ़ना काफ़ी है, ट्यूशन मत जाओ, तो वो भी सही बात है। क्योंकि अगर स्कूल में अच्छे से समझ में आ रहा है, थोड़े बहुत कम समझ में आ रहा है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और
स्कूल से सीधा घर जाओ, पूरी अच्छे से तैयारी करो, और अच्छे से तैयारी करने के बाद अपनी यानी कि सालाना तैयारी यानी पे एग्ज़ाम तक अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यानी स्कूल के बाद काफ़ी वक्त होता है रात तक, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो उसकी बात भी सही है। लेकिन अगर दूसरे टीचर्स इस किस्म यानी इस तरह के टीचर्स भी सानी आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे नहीं नहीं स्कूल्स के साथ साथ जो है आप अकेडमी में भी जाओ, क्योंकि जो जो कमियाँ स्कूल के अंदर आप रह जाती हैं या जो कॉन्सेप्ट स्कूल में समझ में नहीं आते वो आप अकेडमी या ट्यूशन में जाके अच्छे से समझ सकते हो, तो वो उन टीचर्स की भी बात सही है। तो ऐसे में फिर आप किसकी बात को ज़्यादा अहमियत दोगी, क्योंकि दोनों ही टीचर्स अपनी अपनी जगह तो सही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यानी कि कोई भी टीचर जो है वो एग्जैक्टली सबके लिए सही आंसर नहीं दे सकता। हर बच्चे की कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, माहौल, सिचुएशन अलग अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मेरे पास सिर्फ मैथ पढ़ने या हमारे पास जो है सिर्फ मैथ पढ़ने आते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट उनको स्कूल में अच्छे से समझ में आ जाते हैं। वो सीधा मैथ के लिए कहते हैं कि सर हमें मैथ पढ़नी है, और सीधा आते हैं मैथ पढ़ते हैं, आधे पौने घंटे के अंदर वापस चले जाते हैं, तो उनका टाइम बच जाता है और वो जाके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो हर बच्चे की कंडीशन सानी अलग होती है, इसलिए मैं ओवरऑल तो कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके लिए मैं ये बात ज़रूर कर सकता हूँ कि आप अकेले बैठिए और अकेले बैठकर खुद से सोचिए कि मुझे ट्यूशन पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ फैसले हमें खुद करने पड़ते हैं और फिर उनके साथ आगे बढ़ना यानी आगे बढ़ा जाता है, और वो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन गलत होगा तब भी आपका फ़ायदा है, सही होगा तब भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि इस एक चीज़ आपके साथ होगी, जब आज आप फैसला कोई भी करोगे आगे जाके फिर आपको दोबारा फैसला क्योंकि लाइफ जो है ना इसमें जगह जगह पे फैसले करने पड़ते हैं। जो बच्चे छोटी क्लासेस से थोड़े थोड़े डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं वो आगे जाके बड़े डिसीजंस लेने के काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई खुद से ही फैसला करो और बार बार सोचो, ध्यान लगाओ, कुछ वक्त जो है ट्यूशन जाके देख लो, कुछ वक्त बिना ट्यूशन के काम करके देखो। जब एक महीने के अंदर आप ऐसा कर लीजिए, 15 दिन जो है बिना ट्यूशन के काम करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको यानी कि ट्यूशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और 15 दिन ट्यूशन्स के साथ काम करके देखिए, क्योंकि दोनों जगह ही आपका नुकसान होगा। जब आप जैसे कि आप कह भी रही हैं जब ट्यूशन जाती हूँ तो कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आ जाते हैं लेकिन वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्कूल के करीब रहकर तैयारी करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, वक्त आपके पास काफ़ी सारा निकल आएगा। तो इसलिए बीच का कोई रास्ता देखिए और ये देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए। काफ़ी बच्चे जो हैं वो ट्यूशन्स अकेडमीज इसलिए जाते हैं कि वो टेस्ट दे सकें, ठीक है। तो हर किसी का एक मोटिव अलग होता है ट्यूशन जाने का। तो सानिया आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, या जितने भी बच्चे हैं जिनका प्रॉब्लम सानिया से मिलता जुलता है, वो अपने घर पे बैठिए, अपने घर में संडे के दिन बैठ के अच्छे से सोचिए, और उस दिन सुबह के टाइम यही वो डिसाइड करें कि आज मैंने अच्छे से सोचना है और मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ एस्पेक्ट से सोचने के बाद एक फ़ैसला करना है, और उस फैसले करने के बाद अगले 15 दिन तक मैं वैसे ही जो फैसला करूँगी वैसे ही अपनी लाइफ गुजारूँगी एज अ स्टूडेंट, और फिर देखूंगी कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है या गलत है। तो ट्यूशन तो कभी भी पढ़ी जा सकती है, थोड़ा हौसला आपको रखना होगा, लेकिन अगर आप इस टीचर की बात या उस टीचर की बात या किसी भी टीचर की बात सुनोगी और बिना सोचे समझे एक्ट कर दोगी या फैसला कर लोगी, तो आपको फिर रियलाइज़ होगा कि यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि इंसान मुतमईन जब होता है जब वो खुद फैसला करे और फैसला करने के बाद आगे बढ़ता है, तो वो ये कहता है कि यार ये तो मैंने गलत फैसला कर लिया। लेकिन अगर कोई इंसान किसी और की बातों पे अमल करना शुरू कर देता है तो वो क्या करता है कि उस टीचर की वजह से ऐसा हुआ है या फिर उस टीचर की वजह से ऐसा हुआ है, तो दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है। तो सिंपल आंसर इसका यही है सानिया कि ये फैसला आपको खुद ही करना होगा, जो सब्जेक्ट्स वीक है उसके लिए आप ट्यूशन जाइए, या फिर क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो सिर्फ यानी हमारे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जो स्कूल और एकेडमी के दरमियान उलझ के रह जाते हैं, स्कूल में अलग टेस्ट होते हैं एकेडमी में अलग टेस्ट होते हैं, और वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करूं, स्कूल में कोई सा चैप्टर चल रहा होता है एकेडमी में कोई सा चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मैंने भी पढ़ाए हैं कि
वो स्कूल को एक साइड पे रखते हैं, एकेडमी को एक साइड पे रखते हैं, और स्कूल का काम भी करते रहते हैं और एकेडमी का काम भी करते रहते हैं, और दोनों जगह अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। और साल के जब साल ख़त्म होने वाला होता है, जब आपके राउंड टेस्ट शुरू होते हैं या फिर एक दो महीने तक, वो एकेडमी के अंदर भी सारा सिलेबस मुकम्मल कर चुके होते हैं और स्कूल के अंदर भी सारा सिलेबस मुकम्मल कर चुके होते हैं, और तब जाके वो अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और तो अगर स्कूल और एकेडमी दोनों जगह काम करना चाहती हैं कॉन्सेप्ट्स और स्कूल को, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, संडे के दिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, जिसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से मिलेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखे हैं, अभी बात चल रही है तो जो याद करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, तो उनको याद करने का अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन उनको अगली क्लासेस में जाके बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक वक्त उन स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा आएगा कि याद करने से उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपकी किताब अगर इतनी मोटी है तो आगे जाके इतनी हो जाएगी, ठीक है, और उससे आगे जाके इतनी हो जाएगी। तो आप सोचो, इतनी को तो याद फिर भी कर लेते हो, अभी आपके यानी कि 9th 10th में सिस्टम ऐसा होता है, बार बार टेस्ट, तो काफ़ी बच्चों को तो मैथ के क्वेश्चन के आंसर ही याद हो जाते हैं, लेकिन ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट इसकी उम्र या ये ज़्यादा अरसे तक चलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और कॉन्सेप्ट्स ही आप लोगों के काम आएंगे। तो इसलिए मेरा ओपिनियन तो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारिए। जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको तो कॉन्सेप्ट ज़रूर ज़्यादा डीपली नहीं लेना चाहते, तो बेसिक यानी अब देखो सानिया इसके अंदर कैसे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ज़रूर लेने चाहिए अब काफ़ी, अब क्योंकि आप टॉपर हो तो आपको ज़्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए, आप एकेडमी में जाओ, वहाँ पे समझो, और समझने के बाद घर पे वापस आओ, स्कूल का काम करो, तो आप कमिटमेंट कर लो कि इधर मैं सिर्फ समझूंगी और इधर जो है मैं स्कूल का काम आगे करूंगी, तो आप ज़्यादा एफर्ट्स करोगे ज़्यादा रिजल्ट आएगा, वो एक कहावत भी है, नो पेन नो गेन। तो बहरहाल मुझे नहीं पता, अभी 12 मिनट तो इधर हो चुके हैं, आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो एडिट होने के बाद बनेगी, लेकिन सिंपल शॉर्ट आंसर इसका यही है कि इसका फ़ैसला सानिया आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीचर्स ये बोल रहे हैं कि स्कूल अगर अच्छे से पढ़ा रहा है तो आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए ये बात बिल्कुल सही है और वो इससे रिज़ल्ट भी ले आते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी सिद्रा, जो कि ना स्कूल जाती थी, बस एकेडमी आती थी, और वो उसने प्राइवेट 9th 10th के पेपर दिए थे और उसके 90% के करीब नंबर आ गए थे, तो मैं बड़ा हैरान था कि जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं एकेडमी भी जा रहे हैं उनके 90% नहीं आए, लेकिन जो सिर्फ स्कूल गई ही नहीं और उसके जो है वो क्या कहते हैं 90% मार्क्स आ गए। तो हर किसी का फार्मूला अलग है, अगर कोई टीचर ये बोल रहा है स्कूल के साथ साथ एकेडमी भी पढ़नी चाहिए क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मिलेंगे और आने वाले वक्त में वो आपके काम आएंगे, तो वो भी सही बात कर रहा है, तो दोनों टीचर्स ही सही बात कर रहे हैं, और आपको खुद ये देखना पड़ेगा अकेले बैठ के कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। जैसे साइंस के अंदर तो कॉन्सेप्ट ज़रूर लेने चाहिए, चलो आर्ट्स के अंदर तो याद किया हुआ भी चल जाता है, तो मैथ वीक है तो मैथ के कॉन्सेप्ट्स लो, अगर बायो वीक है तो बायो के कॉन्सेप्ट्स लो, केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री के आप कॉन्सेप्ट्स लो। ऐसा आप कर सकते हो कि एकेडमी कुछ सब्जेक्ट्स के रख लो जो कि वीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक माह घर में बैठ के अपना ये वाला मेथड अपना के देखो कि स्कूल से सीधा घर, घर से तैयारी की, और स्कूल यानी कि स्कूल और घर के दरमियान एक महीना ज़िंदगी गुजार के देखिए, शायद अगर और लगता है कि इस फार्मूले के साथ मैं अच्छे मार्क्स गेट कर सकती हूँ तो आप ये कर लीजिए। तो मैंने सारी चीज़ें यानी कि अगर कीनली आप देखो तो मैंने आपको कोई मशवरा नहीं दिया, मैंने बस आपको इतनी बात कही है कि अकेले में बैठ के खुद ही फैसला करो, अपने बहन भाइयों से, अपने अम्मी अब्बू से, उनसे मशवरा लो, क्योंकि आपके बहन भाई और अम्मी अब्बू जो हैं वो आपको अच्छे से जानते हैं, या जो टीचर्स क्लोज हैं आपके उनसे मशवरा लो, क्योंकि मैं आपको ज़्यादातर यानी ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि आप
किन सब्जेक्ट्स में अच्छी हो, किस में अच्छी नहीं हो, तो इसलिए मैं हतमी तौर पे आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। बस यही कह सकता हूँ कि इसका फ़ैसला खुद बैठ के घर में, जो कि बार बार बोल रहा हूँ कि घर में बैठ के खुद ही इसका फ़ैसला करो, और जो भी फ़ैसला करो उसके साथ आगे बढ़ लो। कुछ भी नहीं होता, मार्क्स जिस ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, ठीक है, और ऐसे बच्चे भी हैं जो कम पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये जो चेकिंग सिस्टम है ना, ये हमारा थोड़ा अलग किस्म का है, यहाँ पर लक भी आपके डिपेंड करती है, तो इसलिए ज़्यादा सोचो मत, जो होना है वो तो होगा। बस अल्लाह मियाँ से बातें किया करो, और ये बोला करो अपने आप को कि अल्लाह मियाँ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप मेरी मेहनत को ज़ाया मत जाने देना और इसे संभाल लेना, और बस अल्लाह पे यानी भरोसा रख के कोई भी एक फ़ैसला करो और उस फैसले के साथ आगे बढ़ो। अगर लगे कि ये फ़ैसला मेरा गलत था तो उस फैसले को एडिट कर दो, कोई दूसरा फैसला करके उसके साथ आगे बढ़ लो। तो इस तरह कोशिश मेन चीज़ है, कोशिश करो, परेशान मत हो और आगे बढ़ो, तो इंशाल्लाह यानी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला इस वीडियो में, लेकिन फिर भी एंड में भी बोलूँगा कि मेरी ये बातें ज़रूरी नहीं कि सही हों, इन बातों के अंदर से आपको खुद ढूंढना है कि आपके लिए क्या सही है। तो जो बातें आपको ठीक लगी उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और उस पर अमल करके फ़ायदा उठाइए, और जो बातें सही नहीं लगी उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बस ये सारी बातें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में, फिर किसी सवाल के साथ जो है मुलाकात होगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।